मांगे क्या मांग ली गई है या क्या है? नहीं, इनकी मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है और जो भी चीज़ें होंगी उसमें न्याय संगत जो भी होगा हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे और इसका प्रत्यक्ष आप लोगों को तुरंत मालूम चाहिए। अनशन टूट गया, हाँ, जूस पिला करके तोड़ा गया, हाँ। सर, बक्सर जिला में अति पिछड़ा पर जो छोटी जाति है उस पर अत्याचार अक्सर होता रहता है और सरकार और जो प्रशासन के लोग आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है सर। देखिए, जो भी चीज़ें होंगी ना, आप लोग का जो हम लोग को अभी मिला हुआ है आवेदन जो भी मिला है उस पर हम लोग को एक बार देख करके जो भी रूल रेगुलेशन के साथ होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो क्या लगता है सर, इन लोगों की मांगे पूरी हो सकती है? अब हम तो कह ही रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो भी आपने दिया है आवेदन उसको हम देख करके और जो भी रूल के साथ होगा उसके साथ हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वासन मिला? जी बिल्कुल, आज 19 तारीख से अनशन जारी था, आज 5वां दिन था। कल भी हमने डीएम साहब को अपने स्तर से फ़ोन किए तो डीएम साहब जो है आज 4 बजे मिलने का समय दिए, तो हमने अपनी मांगों को रखे, जो 7 सूत्री मांगे हैं मांगों को जो रखे और आज 4 बजे मिल करके स्वयं डीएम साहब से अपनी टीम के साथ वहां पर कार्यालय पहुंचे, जिसमें कि ओएसडी साहब को यहां पर अनशन तोड़ने हैं तो भेजा गया और जो मांगे हैं स्वीकार किया गया। और कल तक डीएम साहब खुद कल बोले हैं कि जितने भी मांगे हैं कल पूरा विवरण के साथ हमें भिजवा दीजिए। क्या मुख्य मांगे थी, कुछ बता पाएंगे? जी, मुख्य मांगे थी उसमें कि हम लोग के जो पहला मांग है कि जो जिला कल्याण कार्यालय में कार्यरत जिला कल्याण पदाधिकारी सतीश जायसवाल जी हैं, अत्याचार जैसे मामले में 50,000 रुपये दे करके 15,000 रुपये वसूली करवा रहे हैं, जिसका एविडेंस सबूत गवाह मोबाइल नंबर सब उपलब्ध हो गया, जो कि कल तक जिला पदाधिकारी महोदय को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई स्वयं करेंगे। तो आप आगे की कार्रवाई 3 दिन से कर रहे हैं तो भूखे मर जाइएगा यहाँ बैठे-बैठे। जी, 5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, लेकिन जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके बातों को भी हम लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज जान लिए हम लोग और दो दिन का अल्टीमेटम हम लोग दिए हैं और यहाँ तक कि जिला पदाधिकारी महोदय कल ही सब सबूत मांगे हैं और कार्रवाई करने का भरोसा भी दिए हैं कि हमने 5 लोगों को सस्पेंड किया है, आप कल तक उपलब्ध करा दीजिए, इसके बाद कार्रवाई खुद हम तय करेंगे। थाना पे अविश्वास बता रहे थे कि थाना द्वारा जी क्या? अभी तक अनशन स्थल पे 5वें दिन तक अभी एक भी पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आया। अगर कुछ घटना दुर्घटना हो जाता तो उल्टे हम ही लोगों को दोषी कहते, तो इससे हम मांग करते हैं कि इसमें पुलिस पदाधिकारी और SP साहब भी थोड़ा सा सावधानी बरते हैं। सूबे बिहार में आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूबे बिहार में लगातार अत्याचार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा स्वयं मांग किए और कल ही अपने से बोला कि कल तक मुझे जो भी 7 सूत्री मांगों को जो मांग किया गया है कल तक एविडेंस उपलब्ध करा दीजिए, मैं खुद कार्रवाई करूँगा। इसके पहले भी कितने पदाधिकारियों को हम बर्खास्त और कार्रवाई कर चुके हैं। सर, किन शर्तों के साथ आप लोग अनशन तोड़े हैं? जी, हम लोग इस शर्तों के साथ अनशन तोड़े हैं कि अगर 2 दिन के अंदर हम लोग की कार्रवाई पूरी नहीं होती है, हम लोग की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, तो फिर हम लोग 2 दिन के बाद आश्वासन मिला है, अगर 2 दिन के बाद नहीं पूरी होती तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने का। आश्वासन तो पहले भी आप लोग को मिला था लेकिन मिला था, हम लोग संविधान के मानकर और संविधान के विचारधारों के लेकर विचारों पर चल रहे थे और सोच रहे थे कि हम लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने काम को निपटा लें, लेकिन ये सरकार जो DM और SP और DW जो भी हैं लोग, ये लोग हमारे बात नहीं सुनी तो फिर हम लोग अनशन पे बैठना पड़ा। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं हम लोग का मांगों को पूरी करते हैं तो फिर हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने का तैयारी करेंगे। क्या पर्चा है सर आपका? भीम आर्मी संगठन सचिव सुनील कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किन शर्तों के साथ आप लोग अनशन तोड़े हैं आज? देखिए, कल तो पहले SDM साहब आए थे, उनसे बातचीत हुआ, मांगों को हमने पूछे, हमने अपने मांगे रखे, उसके बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने DM साहब से बात की है, DM साहब आज बुलाए, प्रदेश अध्यक्ष जी अपने टीम लेकर गए, वहाँ मिले, मिलने के बाद सारी मांगों को DM साहब द्वारा स्वीकार कर ली गई और ये भी बोला गया कि कल से अपना एविडेंस सब दे दीजिए, कल से हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और हम उसमें अपना ये भी दिए हैं कि सर, हमें अगर 2 दिन के अंदर इसमें पूरी कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि अब अनशन पर नहीं बैठे, एकदम बिल्कुल भरोसा है, अगर कहें हैं तो होगा ही।
अगर नहीं होगा तो उसके लिए तो हम तो तैयार ही है। मेरा नाम सुरेश आजाद है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। आप लोग अपना आश्वासन तोड़ रहे हैं, आश्वासन मिल गया है क्या सर? जी बिल्कुल जी भैया, आश्वासन तो मिला है लेकिन 2 दिन का अल्टीमेट भी दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को। अगर आश्वासन देने के बाद भी जिलाधिकारी महोदय हमारी मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो भीम आर्मी अनशन पर नहीं बैठेगी। अब उनके संग्रहालय गेट पर उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। सर हमेशा से आप लोग को आश्वासन ही मिलता रहा है, धरातल लेवल पर कुछ कार्रवाई नहीं? ना ना ना, ठीक है आश्वासन मिला है, उसी मुद्दे पर ये अनशन टूट रहा है, ठीक ना। लेकिन आपको बताए ना कि 2 दिन का अल्टीमेट दिया गया है, अगर जिलाधिकारी महोदय हमारी बातों को जो मांगे हैं उनको अनसुनी करते हैं तो उग्र आंदोलन करेंगे। क्या पर्चे हुए सर आपका? जी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बबलू कुमार।